हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर होम्योपैथिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कील, काटा, चुभ जाना या टेटनस हो जाने के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, नंगे पैर चलना या कभी कभी बहुत नरम चप्पल पहनने पर कील, काटा या लोहे का कोई ऐसा नुकीला पदार्थ आपको चप्पलों को छेद करते हुए आपके पैरों में चुभ जाता हो, लोहे की कील लगने पर उसे बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी काटा चुभ जाने पर उसका कुछ अंश पैरों के अंदर छूट जाता है और उसे हम लोग सुई से या किसी नुकीले पदार्थ से निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंश अगर छूट जाता है तो वो अंदर ही अंदर पकने लगता है और पक करके घाव बन जाता है। और अगर लोहे का कोई पदार्थ आपके पैरों में चुभ जाता है तो उसमें टेटनस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और उसे ये फोटो दिखा दें। इस फोटो में जो दवा है उसका नाम है हाइपेरिकम 30 पोटेंसी। ये दवा आपको लोहे का कोई भी पदार्थ या कील वगैरह चुभ जाने के बाद देनी है, जिससे आपको टेटनस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी ना के बराबर हो जाते हैं। और अगर आपको कोई काटा या नुकीला सामान चुभ जाता है और उसका कुछ अंश पैरों के अंदर छूट जाता है, जिससे निकालने से वो निकलता नहीं और बाद में वो घाव बन जाता है, तो उसके लिए आप साइलेसिया 30 पोटेंसी में आप देंगे। ये दवा 4 से 5 दिन में उस अंश को निकाल करके बाहर कर देगी और आपका घाव भी भर जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये दवा आपको घर में जरूर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।